नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा थोरिया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई हिंसा के मामले में किसानों और प्रशासन के बीच सुलह की खबर है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 दिन में आरोपियों की गिरफ्तारी का भरोसा। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए का मुआवजा देने के साथ ही न्यायिक जाँच को लेकर सहमति बन गई है। सुलह में एक बात ये भी है कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज मामले की जांच करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार की घटना में जान गंवाने वाले मृतक किसानों के परिजनों के लिए योगी सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया है। मृतक किसानों के परिजनों को 45-45 लाख रुपए दिए जाने पर सहमति बनी है। किसान यूनियन की तरफ से 50-50 लाख रुपए की मांग की गई थी। इसके साथ ही मृतकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी का आश्वासन भी दिया गया है। वहीं घायलों के परिजनों को 10-10 लाख का मुआवजा मिलेगा। किसान नेता राकेश टिकैत और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये जानकारी दी है। गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई हिंसा में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। सोमवार को मौके पर जाने की कोशिश करने वाले सभी प्रमुख विपक्षी दलों के नेताओं को बीच रास्ते में ही रोक दिया गया या फिर हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, यह हिंसा उस वक्त भड़की जब विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों के एक ग्रुप में टिकोनिया में केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा और यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को रोकने की कोशिश की गई। प्रदर्शनकारी किसान केंद्रीय मंत्री मिश्रा के हाल के एक भाषण से बेहद नाराज थे। किसानों का दावा है कि मंत्री के काफिले की एक कार के प्रदर्शनकारियों पर चढ़ने के बाद हिंसा भड़क उठी। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में आगजनी और कई वाहनों को आग लगाते हुए भी देखा गया है। हिंसा के इस घटना में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का दावा है कि हादसे के वक्त उनका बेटा मौके पर मौजूद नहीं था। फिलहाल स्थिति को काबू में करने के लिए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखीमपुर खीरी भेज दिया है। इसके साथ ही पुलिस की कई कंपनियां भी मौके पर तैनात हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।